केकेआर के दो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी नीतीश राणा और अनुकूल रॉय, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। लास्ट मैच क्या कमाल का खेले हम लोग पंजाब के खिलाफ। बैट्समैन बहुत अच्छा किए, बॉलर्स ने बहुत कमाल किया, रसल मेनिया देखने को मिला, उमेश भाई के जलवे देखने को, कुछ कमाल के कैचेस देखने को मिले। एक कैच आपने पकड़ा, एक कैच टिम साउदी ने लिया। इस वक्त एमआई के खिलाफ जाने से पहले टीम कैसा फील कर रही है नीतीश? पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पहले से बहुत बेटर है टीम का। और अगर आप पिछला मैच जीत के आते हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको इफेक्ट करती है नेक्स्ट गेम में। और एमआई के अगेंस्ट मैच है तो हमेशा एक्साइटिंग मैच ही होता है हमेशा। और लकीली हम लोग वानखेड़े में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वानखेड़े में हमारा थोड़ा रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट ख़राब है, बट हाँ पुणे खेल रहे हैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। ठीक है, लेकिन वानखेड़े में भी हमने अच्छा ही परफॉर्म किया है जितने भी मैचेस अभी तक खेले हैं। और खैर, जो अगला मैच हमारा आपने बोला ना पुणे में है, एमसीए में है, और एमसीए में केकेआर का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 6 बार खेले हम और आज तक हमेशा जीते ही हैं, कभी नहीं हारे हैं। सो आई गेस दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। और जहाँ तक एमसीए के पिच की बात करें तो वहाँ की पिच दोनों को ही बहुत पसंद है, फिर चाहे वो बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों, दोनों को वहाँ बहुत पॉजिटिव मिलता है। आप अनुकूल बहुत मेरे ख्याल से खेले होंगे वहाँ पर, आपकी क्या राय है इस बारे में? विकेट बहुत अच्छा विकेट रहता है वहाँ पे, अधिकतर ज़्यादातर ज़्यादा लंबे स्कोर होते हैं, 200 क्लोज टू 200 जी, तो मैच अच्छा होगा हम लोग का। हम लोग भी अभी पॉजिटिव हैं फुल और 3 में से 2 जीते हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे सब, तो होपफुली बहुत मज़ा आएगा जी। अच्छा नीतीश भाई, इस बार ना आईपीएल में बहुत चर्चे हो रहे हैं टॉस और ड्यू फैक्टर, मतलब हर जगह चर्चे हैं टॉस और ड्यू फैक्टर के, लेकिन एमसीए में आई गेस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होगी क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है कि वहाँ पे बहुत ना बराबर ड्यू फैक्टर होता है, तो ये कितना बढ़िया होगा दोनों टीम्स के लिए इन टर्म्स ऑफ अ गुड कॉम्पिटिशन? ऑब्वियसली भैया, दो बड़ी टीम जब खेलती हैं तो टॉस फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर एक टीम का पलड़ा ऑब्वियसली भारी हो जाता है। और जैसा कि हमने कल देखा, डीवाई पाटिल में भी इतना ज़्यादा कोई ड्यू नहीं था, और एक दो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग गए वहाँ पर ड्यू नहीं था, फिर 2 दिन बाद गए तो बहुत ज़्यादा ड्यू था, तो आई गेस कुछ ऐसा नहीं है कि ड्यू आने ही वाला है। बट हाँ, एमसीए में सुना है कि ड्यू फैक्टर नहीं है क्योंकि 2-3 जो गेम्स भी देखे हैं हमने उसमें भी हाई स्कोरिंग गेम रहे और सेकंड इनिंग में भी विकेट अच्छा खेला, ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं चाहता हूँ कि एमआई और केकेआर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली विकेट और सारी चीज़ें अच्छी हों तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल, आप दोनों ने ही एमआई के साथ काफ़ी समय बिताया है तो आपको उस टीम का माइंडसेट पता है, तो वो किस माइंडसेट से उतरते हैं मैदान पर अपने विरोधियों के खिलाफ? अनुकूल, सभी का अलग अलग होता है, जब जैसे जो टीम होते हैं उसके अगेंस्ट अलग स्ट्रेटजी रहती है, बट अभी देखिए उनका क्या रहता है उतना तो बता नहीं सकते क्योंकि सब मैच टीम के साथ अलग अलग ही होता है, तो अभी कुछ अभी कोई फिक्स नहीं है, वो हर टीम के साथ अलग और उनके करंट बैट्समैन क्या चल रहा है, उन लोग का सिचुएशन सारा डिफरेंट होता है, तो कुछ परफेक्ट नहीं बता सकते हैं क्या होगा। ओके नीतीश भाई, लास्ट ईयर सेकंड हाफ में जब केकेआर ने फुल फॉर्म पकड़ लिया था यूएई में, हमने उन्हें हराया था। अभी फिलहाल एमआई का मौजूदा फॉर्म अच्छा भी नहीं चल रहा है, तो क्या ये हमारे लिए एक एडवांटेज साबित होगा? बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट में होगा ना यार, पहली जीत अभी भी क्योंकि तलाश रहे हैं वो। बिल्कुल, और यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि शायद हमारे फेवर में जा सकती है अगर हमने जिस क्वालिटी की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, अगर हम वो क्वालिटी की क्रिकेट खेलने में कामयाब रहे तो शायद वो आने वाले मैच में भी सर्च ही कर रही होंगी फर्स्ट विन। अनुकूल, एमआई की बैटिंग साइड की बात करें तो एक हैवी बैटिंग साइड है, ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, अभी सूर्या कुमार के आने के चर्चे बहुत चल रहे हैं, तो हमारे ऐसे कौन से बॉलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा असरदार साबित हो सकते हैं एमआई की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ? अभी तो देखा जाए तो उन लोग का मिडिल ऑर्डर उतना सेट है नहीं, जो भी है न्यू कमर आया हुआ है, जो भी मतलब थर्ड डाउन फोर्थ डाउन जो आ रहा है वो सब नए हैं टीम में, तो इतना ईजी नहीं है किसी बॉलर को खेलना। हम लोग के बॉलर लोग जो भी स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर हैं, सभी अच्छे कर रहे हैं, पीछे सारे मैचेज में अच्छे किए हैं सारे बॉलर ने, तो बहुत डिफिकल्ट है सबको खेलना। शुरू के बैट्समैन सब अच्छे एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत रन बनेगा, बट जो भी रन मेन बनना चाहिए जहाँ पे वहाँ पे अगर हम लोग अगर कमबैक किए तो फिर दिक्कत हो सकता है।
मतलब मिडिल ऑर्डर को टारगेट, हाँ मिडिल ऑर्डर को हम लोग टारगेट कर सकते हैं अच्छे से। चलिए, हमारा तो खैर बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैट्समैन अभी, लेकिन जो उनका बॉलिंग है, उनका बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नितेश भाई, यू नो बुमराह है, डैनियल सैम्स है, देन मिल्स हैं, तो हमारे जो बल्लेबाज हैं उनका पावर प्ले ओवर्स में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से खेलेंगे? वो डिपेंड करता है भैया क्या हम टोटल चेज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैचेस हमने देखे हैं उस ग्राउंड पे, अगर हम 50-55 विदाउट लॉस हुए 6 ओवर में पहले बैटिंग करते हुए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम गेम में हैं और कोशिश वही करेंगे। और अगर हम चेज़ कर रहे होंगे तो फिर टोटल पे डिपेंड करता है, उन्होंने कितना टोटल दिया उस हिसाब से बैटिंग करेंगे। ये जो मुकाबला है, वैसे तो कहते हैं कि भाई आईपीएल में सारी टीम्स हर मैच को डू और डाई मैच की तरह ही खेलती हैं, लेकिन ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पर्सनली केकेआर के इसलिए बिकॉज एमआई के खिलाफ हमें जीतना बहुत पसंद है, यू नो, लेकिन एमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो अपनी पहली जीत तलाश रहे हैं, अब तक एक भी मुकाबला जीती नहीं है। तो इस मुकाबले से आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हाई पॉइंट हो सकता है, मतलब कोच के साथ, कप्तान के साथ आप लोगों की कुछ बातें वगैरह हुई होंगी कि किस तरह से इस मुकाबले में आगे जाना है, पहले आप बताइए फिर आप बताइए। जो स्ट्रेटजी है सब एक ही होता है, बट सब टीम के अगेंस्ट अलग अलग ही हो रहा है अभी, तो जो भी है हम लोग जो आपको बताए बैटिंग में कि हाँ ऐसे यहाँ टारगेट करना है, बॉलिंग में जैसे बताए भैया, तो ऐसे ही हम लोग अगर करें तो फिर जो भी हम लोग का मीटिंग हुआ सब थोड़ा बहुत अगर कर दें इसमें तो हम लोग आगे निकल सकते हैं। नितेश, आपके साथ कुछ स्पेशल बातचीत हुई? मेरे साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, बट हाँ सूर्य कुमार अगर खेलेंगे तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग लाइनअप बेटर होगी, और मेरी नज़र में आई गेस कोई अगर इंडियन प्लेयर है जो मुझे बहुत पसंद है वो सूर्य है, तो मैं बहुत मतलब रिगार्ड करता हूँ उनका, और बैटिंग लाइनअप ऑब्वियसली सूर्या के आने के बाद बेटर होगी, लेकिन हाँ गेम प्लान उनके पास भी है, हमारे पास भी है, जिसका दिन जो दिन में बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत पूछा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों से भी जरूर पूछा होगा, यो मेट व्हेन इज इट कमिंग, मेट व्हेन इज इट कमिंग, फाइनली उन्होंने दरवाजा खोला और बोला मैं आई कम इन, समझिए किसकी बात कर रहा हूँ, पैट कमिंस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कमाल के ऑलराउंडर, हर बैटिंग हो बॉलिंग हो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो आपने अभी रिसेंटली उनको नेट्स पे परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पैट कमिंस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करके बताइए उनके बारे में कुछ, बिकॉज मैं नहीं मिल पाया अभी तक, तो जानना चाहता हूँ मैं। तो बस कल बॉलिंग किया उनको, हाँ तो बहुत अच्छा टच में लग रहे हैं अभी, होपफुली बहुत अच्छा जाएगा उनका ये सीजन। और आपकी मुलाकात हुई कल, जैसे वो कल बॉल तो नहीं डाला उन्होंने, बट कल जैसा वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि क्वारंटीन से नहीं सीधा पाकिस्तान से सीधा मैच ही खेलने आए हैं, बहुत बड़े फॉर्म में थे पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने बॉल भी अच्छा डाला है और बैट से भी रन बनाए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेयर है और इसीलिए इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, और वहाँ से सूर्या यहाँ से बैट कमिंस, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, तो तैयार रहना सब। चलिए, तो आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी टीम इतनी जोरदार है और फैंस शोरदार हैं, तो इन शोरदार फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, और आज जो मुकाबला होने वाला है एमआई और केकेआर के बीच, आप लोग भी एक्साइटेड हो, हम भी एक्साइटेड हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जरूर जीतेगा, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अच्छा खेले और हम मैच जीते। थैंक यू। चलिए, तो हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, देते रहिए हमें अपना खूब सारा प्यार, क्योंकि टीम केकेआर है तैयार। ग्लांस नाइट लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।